बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ स्पाइसी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी की रेसिपी। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है कि आपके घर वाले उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस के बगैर। बच्चे बूढ़े सब लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। बच्चों की तो ये जान होती है, बच्चों का लंच बॉक्स में इसको बना के दें, बहुत ही वो इसे पसंद करेंगे। और बिल्कुल मेरे स्टाइल से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में खुला पानी ले लिया और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है। और ये मैं स्पैगेटी का पूरा एक पैक इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। आपने अच्छे से इस तरह से साइड पर रख देने हैं, जैसे वो हल्का हल्का सा पानी मेल्ट होगा, गर्म होगा, तो अपने आप जो है वो इसमें स्पैगेटी घुलती जाएगी, ठीक है। इस तरह से लंबाई में हमें स्पैगेटी चाहिए, जैसे नूडल्स होते हैं ना वैसे। यहाँ पे जीता स्पैगेटी की मैं फ्लेवर ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाला पूरा पैक मैंने एक ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। और इसको तकरीबन 10 मिनट तक लो मीडियम हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। आपने यहाँ पे तकरीबन 90-95% इसको गलाना है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, ठीक है, अलग अलग रहे। जब तक ये स्पैगेटी हमारी गलकर तैयार होती है तब तक हम इसका साइड पे मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग अपना चिकन जो है वो उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1/2 कप से भी कम थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक इसमें आपने ऐड नहीं करना, उससे स्मेल आती है, सिर्फ आपने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून ऐड करने के बाद 1-2 मिनट मैंने इसको अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई किया है। और इस तरह से ये पीसेस मैंने ले लिए बोनलेस चिकन के, तकरीबन ये 1/2 kg से थोड़ा ज़्यादा चिकन है, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने इसको 7 से 8 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, और उसको कवर दे के अच्छे से फ्राई होने दें। चिकन अपना पानी भी छोड़ता है तो उसके अंदर अच्छे से ये गल जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपने चिकन को फ्राई करना है। आपका अगर चिकन अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो आपकी रेसिपी जो है वो वैसे नहीं बनती जैसे बननी चाहिए। तो बच्चे जो है वो मेन इसमें चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर देते हैं, तो चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से फ्राई होना चाहिए। तो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुँच सकें। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स में ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इनको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से आपने इनको मिक्स करके भूनना है 1 से 2 मिनट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कि आपकी रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। अगर आप यहाँ पे स्किप करके चले जाएंगे तो आपकी रेसिपी मुकम्मल नहीं होगी और बच्चे भी इसे पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस में ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस ऐड करूँगी, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 1-2 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कोई भी फ्लेवर आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसे ऐड कर दें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, अभी से खुशबू आने स्टार्ट हो चुकी है। साथ वाले घर वाले भी आपके पूछेंगे कि आपके घर में क्या बन रहा है। उसके बाद यहाँ मैंने लंबाई में इसको शिमला मिर्च काट ली थी, और यहाँ पे 1 कप भर के यहाँ पे बंद गोभी का लिया है। इसको इस तरह से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ठीक है। आप शेप कोई भी दे सकते हैं। ये जो है वो स्पैगेटी के पैक के अंदर से पाउडर निकला था, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, तो आप कोई भी, आपके पास अगर क्यूब है आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फ्लेवर घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी आपके पास पाउडर चिकन पाउडर है तो आप उसको 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा भर के ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सारी सब्जियों को हम ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बस 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको दम दे के हम गलाएंगे। यहाँ पर जो मैंने छान लिए थे अच्छे से, ठीक है, स्पैगेटीज जो मैंने बॉईल किए थे 80-90% इनको मैंने गलाया था और अच्छे से इनको छान लिया था, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। बस इतनी सी रेसिपी थी हमारी, रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट्स के लिए इसको दम पर रखना है ताकि अच्छे से जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं सब कुछ नरम हो जाए। सब्ज़ियों को आपने ज़्यादा नहीं गलाना होता, आप इनको जस्ट 50% गलाते हैं ताकि मुँह में क्रंची क्रंची सा टेस्ट आए, ठीक है। इस तरह से दम लगा देंगे, 5 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे।
बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, लजीज स्पैगेटी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपकी तरफ से हमारी एक मोटिवेशन होती है, आपकी तरफ से प्यार होता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। लें जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, घर की बिल्कुल फ्रेश स्पेशलिटी बनकर तैयार है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।